आपने क्या करना है दोस्तों, स्पीकर की तार को छीलना है, इसको ट्विस्ट करना है। लेकिन दोस्तों कई बार होता है भी हम चाहते हैं हमारा काम एकदम परफेक्शन के साथ हो एकदम, तो दोस्तों इसमें से आपको एक तार माइनस बनानी है। एक दोस्तों ये है सोनी के होम थिएटर के स्पीकर। कस्टमर कह रहा है सर इसकी तारें जो है ना चूहे खा गया, और ये सारी तारें जो है ना चूहे ने काट दिए। तो कस्टमर कह रहा है कि इसकी जो मेरे को सोल्डरिंग है ना बिल्कुल अंदर से करवानी है पिनों में, और इसके एक पिन भी गायब है, तो उसका भी हल मैं बताऊंगा। एक पिन अगर कम हो जाए तो आपने कैसे इसके कनेक्शन बनाने हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि दोस्तों इसकी सारी तारें बदली जानी है। तो कस्टमर से मेरी बात हुई है कि इसमें सिर्फ मुझे 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर तार लगानी है। तो सबसे पहले मैं इसकी सारी तारें दोस्तों कट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि सारी तारें बेकार हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इन चारों स्पीकर को खोलेंगे। मैं पहले एक स्पीकर खोलता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों इनका सीरियल नंबर भी सेम है, 20-15-505, 20-15-506, 20-15-507, 20-15-508, इस प्रकार से सीरियल नंबर में है। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा एक स्पीकर हो गया अलग। देखिए इसमें छः पेच हैं दोस्तों, छः के छः पेचों को बाहर निकाल लेंगे। पहले छः के छः पेच बाहर आ गए, अब दोस्तों इसको खींचेंगे यहाँ से और अपना स्पीकर हो जाएगा बाहर। ये हमारा स्पीकर हो गया दोस्तों बाहर, इस प्रकार से हमारा स्पीकर निकल आया दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये पीछे तार चिपकी हुई है, देखिए। अब दोस्तों सबसे पहले देखिए इसमें लगा हुआ 12 ओम्स का स्पीकर। तो दोस्तों इसके अंदर तार लगाने के लिए क्या करेंगे, इस टाइप की मैंने स्पीकर की तार ले ली है। आपने क्या करना है दोस्तों, स्पीकर की तार को छीलना है, इसको ट्विस्ट करना है और इसके अंदर पेस्ट लगाकर सोल्डरिंग कर लेनी है। और इस वायर को इसके अंदर डाल देंगे। वायर को अंदर डालने के बाद दोस्तों इसके अंदर लगानी है हमें इतनी दूरी पर थोड़ी सी गीठा। गीठा लगाने के बाद अपने स्पीकर को लेंगे, पुरानी तार को कट करेंगे। दोस्तों इसके अंदर क्या है, ये जो पतली वाली पिन है ये है नेगेटिव, और जो चौड़ी वाली है ये पॉजिटिव। बाकी इस पर लिखा हुआ भी है माइनस और प्लस। तो दोस्तों इसमें से आपको एक तार माइनस बनानी है, एक तार प्लस बनानी है। तो जो सिल्वर कलर में है उसको मैं बना रहा हूँ माइनस, और जो कॉपर कलर में उसको बना रहा हूँ प्लस। तो एक बार दोबारा से फ्लक्स लगाएंगे इसके ऊपर, और अपनी वायर को देखिए, पहले ये माइनस वाली वायर लगा रहा हूँ मैं, और अब ये प्लस वाली वायर। इसको लगाने के बाद दोस्तों आपने इसको फिट कर देना है। थोड़ा ब्रश मार लेता हूँ, थोड़ा ब्रशिंग कर ली दोस्तों मैंने। देखिए स्पीकर हो गया साफ। इसको लगाते हैं इसके अंदर और फिर लगाते हैं इसका बैक कवर। और अब कर देंगे दोस्तों इसके सारे स्क्रू टाइट, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसी प्रकार दोस्तों हम बाकी स्पीकरों की वायर लगा लेंगे। दोस्तों ये हमारे चारों स्पीकरों में लग चुकी है वायर। अब लगाते हैं दोस्तों इसका हम कनेक्टर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है इस वीडियो का। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं ये स्पीकर को हटाता हूँ। अब देखिए दोस्तों इस पॉइंट को देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे दोस्तों। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों आप इस कनेक्टर को देखेंगे बहुत ही ध्यान से। आप देखिए इसके अंदर क्या है, या तो आप इसको कैसे लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ सोल्डर कर सकते हैं और इस पर स्लीप वगैरह चढ़ा के इसको फिक्स कर सकते हैं अपने स्पीकर की वायर के साथ। जैसे कि आपने यहाँ इसका टांका लगा दिया और इधर टांका लगा दिया और स्लीप वगैरह इस पर चढ़ा देंगे, तो ये अच्छी तरह आपका काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कई बार होता है भी हम चाहते हैं हमारा काम एकदम परफेक्शन के साथ हो, एकदम अंदर से तार जुड़ी हुई हो कनेक्टर के अंदर। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है आपने, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि ये जो है ना एक मिनट की जानकारी नहीं है, आपको समझाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है मुझे। तो देखिए आप लेंगे इस प्रकार की एक चोंच वाली चिमटी, नोक वाली, आड़ी टेढ़ी तिरछी कैसी भी हो जाए दोस्तों, चाहे सीधी हो या तिरछी हो, मेरे पास ये है तो ये ले ली। तो आपने ये पतली पिन को दोस्तों ये देखिए ऊपर, देखिए यहाँ ऊपर देखिए थोड़ी खाली जगह बची हुई है, ये पिन बनी हुई है इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से बनी है, और इसमें जो है ना पिन ऐसे फंस जाती है अपने जो स्पीकर वाले सॉकेट की ना, वो इसमें फंसती है ऐसे। तो ऐसे इसको लगाते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए जरा इसके ऊपर जो है ना थोड़ी सी गैप है, खाली जगह है, तो आपने चिमटी जो है इसी गैप में डालनी है, यहाँ से डाल के दोस्तों, और चिमटी को ऐसे अंदर की तरफ मोड़ना है। जैसे चिमटी इसके अंदर डाल दी और हम ऐसे इसको नीचे की तरफ करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे नीचे की तरफ, चिमटी अंदर डाली और नीचे की तरफ कर दी ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से डाली चिमटी और ऐसे अंदर की तरफ कर दी, ये मुड़ गई दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस पिन को निकालेंगे बाहर दोस्तों। अगर एक प्रयास में ना निकले दोस्तों, तो हमें थोड़ा दूसरा प्रयास करना है। ये नहीं निकल रही तो इसका मतलब अभी हमारा लॉक खुला नहीं है दोस्तों, तो हमें दूसरा प्रयास करना होगा। अब क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इसके अंदर डालेंगे और अंदर की तरफ दबाएंगे ऐसे, दोबारा डालेंगे और
और अब देखेंगे निकल रही है या नहीं निकल रही है। दोस्तों अभी भी नहीं निकली, देखिए दोस्तों कई बार दोस्तों कितना हमें मेहनत करनी पड़ जाती है। तो अब मैं दूसरी साइड पे ध्यान लगाता हूँ, पहले इसको अंदर मोड़ दिया, इसको दबा के अंदर, और देखिए नीचे की तरफ कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से करना है, तोड़नी नहीं है बस हमें सॉकेट। ये देखिए दोस्तों हमारी पिन बाहर आ गई, देख रहे हैं ये पिन बाहर आ गई। अब देखिए ये लॉक कैसे हैं दोस्तों, देखिए ये जो है ना इसकी पत्तियाँ सी बाहर निकालनी निकली हुई होती हैं ऐसे। ठीक है पहले ध्यान से देखेंगे, पत्ती बाहर निकालता हूँ। देखिए इसका पंख सा बाहर निकला है ना, ये देखिए बड़े ध्यान से देखिए, पंख दिख रहा है आपको, ये पंख सा बाहर निकला है। ऐसे ही साइड करता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से ये जैसे हम उसके अंदर डालेंगे तो ये लॉक उसके अंदर बाहर हमें निकलने नहीं देगा, ये पकड़ बना लेगा इस प्रकार से। ठीक है अब मैं इसको खोलता हूँ और बाकी पिने मैं खोल लेता हूँ दोस्तों टाइम बचाने के लिए, बाकी पिने बाहर निकालता हूँ। देखिए इसको एक बार निकाल देता हूँ आपके सामने थोड़ा अच्छी तरह दोस्तों, कभी अगर क्या हुआ तो थोड़ा सा हमें सेफ लेके चलना होता है ना। और इसकी पिन को मैं निकालता हूँ बाहर, चिमटी लेता हूँ थोड़ी हार्ड वाली, ऐसे निकालता हूँ। देखिए दोस्तों खिंचाई ना अब ये निकलाई, इसी प्रकार से दोस्तों इसको भी कर लेंगे। दोस्तों ये काम तो मैंने आपको एक मिनट में बता दिया, लेकिन इसको समझने और जानने में थोड़ा समय लगता है हमें, तो आप हमारी मेहनत की जो कदर करते हैं उसके लिए आपका धन्यवाद, जो आप मेरी वीडियो अंत तक देखते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं बाकी पिने भी निकाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों अभी दोस्तों जब मैं आपको दिखा नहीं रहा था ना, तो फटाफट एक बार में सारी पिने बाहर आ गई। अब दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो वायर लगी है ना, इस वायर को यहाँ पे पंच किया हुआ है इसके अंदर कंपनी ने, तो इसको हम कटर की सहायता से खोलेंगे, ऐसे खोल लेंगे और बाकी का फालतू का हिस्सा मैं काट देता हूँ। ठीक है इतना कट गया और खुल गया। तो इसी प्रकार से दोस्तों मैं बाकी की पिने कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो दोस्तों आपको समझाने के लिए मैंने ये स्टैंड ले लिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अपनी पिन लेंगे और ये अपने मैं हेल्पिंग हैंड में लगाया पिन को, और देखिए अपनी ये तार है ना दोस्तों, इसको करेंगे इतना कट, हमें जितनी चाहिए ना उतनी तार चाहिए दोस्तों, उतनी रखेंगे तार को, सिर्फ इतना कट करेंगे दोस्तों। और इस पर करेंगे शोल्डर आगे, कितनी तार क्यों चाहिए अभी देखते हैं, अभी आपको पता चलने वाला है दोस्तों। और इन दोनों सिरों पर कर लेंगे शोल्डर, दोनों सिरों पर शोल्डरिंग हो गई दोस्तों। अब शोल्डरिंग फ्लक्स लेंगे और इस पिन पर लगा देंगे दोस्तों आगे वाले हिस्से में, और इस वाले पॉइंट पर दोस्तों करेंगे सोल्डरिंग, कहाँ इस पे पॉइंट पर जहाँ ये जॉइंट मिल रहे हैं ना, इस पे करेंगे सोल्डरिंग। सोल्डरिंग हो गई, उसके बाद दोस्तों एक वायर ली और उस पे करेंगे यहाँ सोल्डरिंग, ये हमारी तार हो गई फिक्स दोस्तों। ठीक है इसे ठंडा होने देंगे, अभी ये गर्म है दोस्तों, दूसरा काम बाद में बताता हूँ। फिर इसी प्रकार से दूसरी पिन लेंगे और फ्लक्स लगाएंगे और इस वाले पॉइंट पर करेंगे सोल्डरिंग, सोल्डरिंग हो गई दोस्तों। अब इस वायर की भी सोल्डरिंग हो गई, अब देखिए दोस्तों इसको ठंडा होने देंगे। देखिए दोस्तों मैंने क्या करा, जो क्लिप हमने खोली थी ना उस तक ये पीवीसी लेकर आया हूँ, देख रहे हैं ना, उस तक मैं पीवीसी लेकर आ गया हूँ। अब इस पीवीसी को यहाँ से इसके अंदर इसके साथ ग्रिप में दबा के इसको कर देंगे लॉक, अभी हमारी पीवीसी खिंचेगी नहीं। इसी प्रकार से दोस्तों इस वाली पीवीसी को करेंगे, तो इस प्रकार से दोस्तों ये मैंने दो स्पीकरों की तार तो बना ली दोस्तों, क्योंकि दो स्पीकर हमारे पास थे, इन दोनों की तो बन गई, अब बचेगा एक, एक के साथ और एक हमें और कहाँ से चाहिए उसका मैं बताता हूँ कैसे इंतजाम करेंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अब देखिए इसके अंदर लिखा है प्लस और इसके अंदर लिखा है माइनस, तो हमने जो है ना कॉपर वाली वायर को बनाया था प्लस, तो देखिए इसको ऐसे लगाएंगे, देख रहे हैं इस प्रकार से इसके अंदर डाल देंगे ऐसे, और ये लॉक हो गई। ठीक है टक से आवाज़ भी आएगी, और ऐसे ये है माइनस, तो इस पर माइनस वाली लगा दी, ये थोड़ी सॉरी इसको अभी, इसका लॉक अभी मैंने खोला नहीं ना दोस्तों, तो दोस्तों इसका लॉक भी खोल लेंगे, क्योंकि ये लॉक अंदर घुसा हुआ है ना, इसके पंख अंदर घुसे हुए हैं, इसको बाहर करेंगे ऐसे और इसको इसके अंदर लगा के कर देंगे लॉक। ये देखिए आवाज़ आएगी दोस्तों टिक से आवाज़ आती है, फिर लॉक हो जाता है ऐसे ही दोस्तों, इसको भी कर लेते हैं। ये है अपनी प्लस वाली, तो ये प्लस में लगा दी, ये है माइनस, तो ये लगा दी माइनस में, ये हमारे दो स्पीकर तैयार हो गए दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि एक के लिए तो हमारे पास पिन है, दूसरे के लिए क्या करेंगे दोस्तों,
तो दोस्तों ये प्लस वाली प्लस से मिलाएंगे और ये माइनस वाली मिलाएंगे माइनस के साथ, ठीक है। अब ये बन गई दोस्तों दो तारें। अब क्या होगा, अब ये होगा दोस्तों इन दोनों को हम एक में ही लगा देंगे। तो कई लोग सोचेंगे इससे तो हमारा एक स्पीकर पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, एक चैनल तो खाली रहेगा और एक जगह दो स्पीकर हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी घबराने की बात नहीं है। देखिए ये है सोनी के होम थिएटर का मदरबोर्ड। आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे इसमें ये दो स्पीकर बने हैं और ये दो स्पीकर यहाँ बने हैं। तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, देखिए एक पिन यहाँ है, ये पिन यहाँ से गया, ये यहाँ, एक यहाँ, ये दूसरे स्पीकर में भी यही कनेक्ट है। यानी ये और ये दोनों पिन आपस में मिली हैं, यानी नेगेटिव और नेगेटिव आपस में मिला दिया हमने, ठीक है दोस्तों। यहाँ पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों आपस में मिले हैं। तो दोस्तों बाहर से देखने में तो हमें ये दो सॉकेट नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये लगे हुए हैं दोनों पैरेलल में। तो इसलिए आप एक पिन पर दोनों दे सकते हैं अगर आपकी पिन खो गई है, टूट गई है या आपके पास नहीं है। तो दोस्तों ये पॉइंट कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अब मैं इसको जोड़ता हूँ। सबसे पहले करते हैं इसके ऊपर दोस्तों सोल्डरिंग। ये लिया आपने सोल्डर और दोस्तों इसकी पिन को कट करेंगे, इतना इतनी तार को कट कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ जितनी चाहिए उतनी रखेंगे। उसी प्रकार से दोस्तों पहले की तरह पहले ये पिन ले ली और इस पर लगाएंगे सोल्डरिंग फ्लक्स, फिर करेंगे सोल्डरिंग और ये दो तारे इस पर लगा देते हैं। बस दोस्तों थोड़ा पंचिंग के लिए ही हमें दिक्कत होगी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दूसरी पिन लगाई, थोड़ा सा फ्लक्स लगाया इस पर और ये दोनों तारें इसके साथ। अब इसकी तारों को कर देते हैं इसके साथ अंदर पंच। दोस्तों तार मजबूती से एक साथ कनेक्ट हो गई है ऐसे ही इसको। दोस्तों इस प्रकार ये सॉकेट भी हो गया। अब देखेंगे इसके अंदर प्लस कौन सा है। प्लस है दोस्तों ये वाला हमारा। तो देखिए इस वायर को इसके अंदर डालेंगे ऐसे और ये हमारी तार इसके साथ। थोड़ा सा हमें अंदर करनी पड़ेगी चिमटी की सहायता से दोस्तों, बड़ी ध्यान से। देखिए तार फिक्स हो गई इस प्रकार से। दोस्तों तार सुंदर भी लगती है और इसी प्रकार से ये वाली। देखिए दोस्तों हमारी तार बहुत ही मजबूती से और सुंदर। देखिए प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस। और दोस्तों अब मैं कराता हूँ आपको ये स्पीकर टेस्ट। तो साथियों तैयार है ये हमारे सोनी होम थिएटर के चारों स्पीकर, जिसके कि मैंने ये तीन कनेक्टर जोड़ दिए हैं, जिसमें एक एक सिंगल लगाया और एक में लगाया दोस्तों डबल। तो देखिए दोस्तों इसके कनेक्शन करता हूँ और फिर मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो डबल वाला है ना दोस्तों, किसी एक सिंगल साइड पे उसको लगा देंगे हम। ये लगा दिया डबल वाला और यहाँ दोनों सिंगल सिंगल यहाँ लगा देते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमारे कनेक्शन बन जाएंगे, ठीक है। और इसको करते हैं हम प्ले। मैं इसके अंदर दोस्तों ब्लूटूथ से गाना चला देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये सेट रिपेयर होने आया हुआ था, तो इसी के अंदर मैं टेस्ट कर देता हूँ। सेट किसी और का है और स्पीकर किसी और के हैं। दोस्तों ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया। अब मैं आपको सुनाता हूँ इसके अंदर एक नॉन कॉपीराइट सॉन्ग और ले लेता हूँ अपना रिमोट। ये देखिए प्रकार दोस्तों ये हमारे चारों स्पीकर की तार चेंज हो गई। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।